फिर भी आरोपी के हम अमीर है, माला अपनी जेब से फकीर है, फिर भी आरोपी के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। प्रणाम प्यारे मित्रों, आज की शाम बंदगी में आप सबका स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक के इस माहौल में सब तरफ निराशा है, लेकिन एक निराशा लाख सहारे नादा है जो जीवन से हारे। जीवन में कितना कुछ है जो उम्मीद देता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि जीने का मजा लेते रहना चाहिए। जीवन एक सौगात है। सदगुरु कहते हैं, जग का जो भी है निर्माता मंगल की ओर लिए जाता। जिसने भी ये संसार बनाया है वो भले ही हमें लगता हो इसका इस समय एट प्रेजेंट प्रतिकूल है, निराशा है, लेकिन निश्चित अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो वो विकास की तरफ ही हमें ले जा रहा है। पीछे जो भी प्रतिकूल घटा है उसका जो परिणाम हुआ है वो हमेशा अनुकूल निकला है। रामायण के दो प्रसंग इस बात को साबित करते हैं। राजा दशरथ को जब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी तो बहुत निराश थे, दुखी थे, हतोत्साहित थे, लेकिन इस निराशा की घड़ी में एक बात जब उनको याद आती थी तो वो उम्मीद से भर उठते थे, हौसला जाग जाता था, बड़ी हिम्मत देती थी वो याद उनको। जानते वो कौन सी याद थी, अंदाजा लगाओ। क्या उन्हें याद आता होगा जिससे उनके जीवन की सारी निराशा दूर हो जाती थी और वो एक उम्मीद से भर जाते थे, आश्वस्त हो जाते थे कि नहीं शुभ होगा, जरूर होगा। तीन तीन रानियां थी, कोई पुत्र नहीं था और बूढ़े हो चले थे, कोई वारिस अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक, पूरी तरह निराश थे।
लेकिन एक बात जब भी उन्हें याद आती थी तो वो तुरंत उम्मीद से भर जाते थे और निश्चिंत महसूस करते थे, आश्वस्त हो जाते थे। देखो अंदाजा लगाओ अपने ग्रेवाल साहब ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फोन से करो। हाँ जी, वो थी जब श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे मैं इस समय पुत्र मोह में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, मरूंगा हम दोनों, तुम भी ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। था तो ये श्राप, लेकिन राजा दशरथ के लिए आशीर्वाद साबित हुआ। जब भी उसे उन्हें इस श्राप की याद आती थी और उस दुर्घटना की जो अनजाने में उनसे हुई थी, बेहोशी में उनसे हुई थी, वो एकदम आशा से भर जाते थे। उन्हें शायद आज के आधुनिक शायर की याद आती होगी, दिल ना उम्मीद तो नहीं है। शायर कहता है, दिल ना उम्मीद तो नहीं है, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं है, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा आ जाता था कि जब पुत्र मोह में मुझे मरना है और एक बूढ़े तपस्वी पति पत्नी की और श्रवण जैसे पुत्र के माता पिता की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, श्राप गलत नहीं हो सकता, तो पुत्र तो मुझे जरूर पैदा होगा। और फिर हम सब इस बात के गवाह हैं, विटनेस हैं कि पुत्र भी कौन पैदा हुए, राम। सृजनहार स्वयं परमात्मा उनके यहां पुत्र बनकर पैदा हुए। इस तरह निराशा में आशा। एक और घटना है रामायण में कि जब सुग्रीव और बाली दोनों बहुत प्यार से पिता के चले जाने के बाद अपने राज्य का भोग कर रहे थे, दोनों में बहुत प्यार भी था, दोनों भाई एक दूसरे को भरत और राम की तरह प्यार करते थे, फिर कोई गलत फहमी हुई और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था। बाली को कोई बाली के बल को देखकर कोई सुग्रीव को सहारा भी नहीं दे रहा था। पूरी दुनिया में कहते हैं पूरी पृथ्वी उन्होंने छान मारी, किसी ने कोई आश्रय नहीं दिया। राम की सहायता के लिए जब सुग्रीव अपनी वानर सेना के बहादुर वानरों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि कौन किस तरफ जाएगा और किस तरफ उनको कौन सा देश मिलेगा, कैसी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, कैसी जलवायु होगी, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, रास्ते में क्या क्या आएगा, तो उनको इस तरह से डायरेक्ट करते हुए अपने वानर सैनिकों को देखकर भगवान राम बड़े हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुम्हें इतना भौगोलिक ज्ञान कैसे आया, तुम कैसे हर एक दिशा को इतनी बारीकी से जानते हो, कहां कौन सी समस्या आ सकती है, कहां पर क्या होगा, किस दिशा में हो सकती है लंका, कौन सा पहाड़ आएगा, कौन सी नदी कहाँ आएगी, कैसी समस्याएं आ सकती हैं रास्ते में, ये सब तुझे कैसे पता।
कैसे इसका ज्ञान हुआ? तो सुग्रीव ने यही कहानी अपनी और बाली की राम को बताई कि जब मैं बाली के खौफ से मारा मारा फिर रहा था, दर दर भटक रहा था, कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था, सारी पृथ्वी मैंने छान मारी थी, उससे मुझे ये सारा ज्ञान हुआ। ठीक ऐसे ही जब भी जीवन में निराशा आती है, ऐसी ही एक किरण, ऐसी ही एक सिल्वर लाइन वहां पर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि दशरथ को दिखाई दे रही थी, जैसे कि सुग्रीव को दिखाई दे रही थी। तो ऐसी सिल्वर लाइन हमें देखनी है। हमें ये बात अपने पिछले अनुभव से, अपने जीवन से और इतिहास से सीखनी चाहिए कि अगर परमात्मा इतना सुख देता है, इतनी सौगात जीवन में दी है, इतना प्यारा सुंदर शरीर दिया है, मन दिया है, हृदय दिया है, माता पिता दिए हैं, पूरी पृथ्वी धन धान्य से भरी हुई, कितने प्यार करने वाले, कितने मित्र, कैसा ये अवसर दिया है कि हम सब कहां कहां से मिलकर बैठकर बातें कर रहे हैं, और ऐसे में इसको और प्रगाढ़ करने के लिए, इसका मजा थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए अगर कोई दुख बीच में दे देता है, कोई अड़चन, कोई बाधा डाल देता है, तो हमें ये इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ये भी हमारे कल्याण के लिए होगा। वो जो उसका आत्यंतिक उद्देश्य है, पृथ्वी को, जगत को सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ ले जाने का, इसी के लिए कोई डिजाइन होगा। हमें इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ओशो कहते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध ना हुआ होता तो भारत आज जैसी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में है वैसी भी नहीं होती, और दूसरा और पहला विश्व युद्ध ना हुआ होता तो पूरा जगत भी आज इतना विकसित नहीं हुआ होता। तो हमें इन सारी समस्याओं को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जो अनुकूलता है वो अगर मेन कोर्स है, खाने का भोजन है, तो प्रतिकूलताएं विटामिन है, प्रतिकूलताएं विटामिन है, और जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां उस जीवन को गति देने के लिए, जीवन में जो चुनौती आती है, जो अड़चनें आती है, तो इस बात को अगर हम अपने मन में रखें तो हमें ये आश्वस्त होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि बहुत जल्द हमारे हॉस्पिटलों में भीड़ छंट जाएगी, हमें न्यूज चैनल्स पर इतने आज के कोरोना पेशेंट्स हैं, 4 लाख हैं, 3 लाख हैं, ये न्यूज दिखाई देना बंद हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे कि आज कोरोना के कारण कोई नहीं मरा, एक दिन में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारें नहीं होंगी, जितनी लंबी कतारें मजदूर लगाते हैं जाने के लिए एक दूसरे एक जगह से, दिल्ली से, और एक दिन हम फिर एक दूसरे से गले लगेंगे और शादियों में, समारोह में नाचेंगे, एक साथ पार्टी करेंगे, ऐसी उम्मीद से भरकर आओ, हमारा जो वास्तविक होना है, आत्यंतिक स्वरूप है, जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां पर जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आप सुखासन में
बैठ जाएं अथवा लेटना चाहें तो लेट जाएं अगर लेटने की जगह है। विश्राम विश्राम पूर्ण विश्राम, एकदम रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है। द बॉडी हैज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। द बॉडी हैज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। पूरा शरीर एकदम शांत शिथिल और सुखद है। आती जाती सांसों का स्मरण करें। रिमेंबर योर ब्रीदिंग। सांस आ रही है, सांस जा रही है। प्रत्येक सांस होश के साथ भीतर जाए, होश के साथ बाहर आए। सांसों को देखते देखते हम और गहरे विश्राम में जा रहे हैं। प्रत्येक बाहर जाती सांस हमें पहले से ज्यादा शांत कर जाती है। With every outgoing breath, feel more relaxed than before. प्रत्येक बाहर जाती सांस सारे टॉक्सिन्स को, सारी जहरीली हवा को बाहर ले जाती है। सारी नकारात्मकता विदा हो रही है। हम वर्तमान में हैं। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं। इस शांत और विश्रामपूर्ण स्थिति में अपने विचारों का अवलोकन करें। वॉच योर थॉट्स। विचारों को सिर्फ देखें। जैसे विचार हैं, नकारात्मक हैं तो नकारात्मक, सकारात्मक हैं तो सकारात्मक। बस दृष्टा हो जाओ। जस्ट बी अ विटनेस टू द थॉट्स।
विचारों को देखते देखते मन शांत होने लगता है. By looking into the thoughts, mind starts getting relaxed. धीरे धीरे मन पूरी तरह शांत हो जाता है. माइंड गेट्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड. देखें मन पूरी तरह शांत है, निश्चल है, सुखी है. इस मन के पार हमारी विल है, मर्जी है. हमारा विवेक, हमारी बुद्धि है जो इस मन को टॉर्च की तरह इस्तेमाल करती है. द फ्री विल विच वी हैव गॉट एज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड. प्रभु से हमें फ्री विल का गिफ्ट मिला है. आओ उस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. अपनी मर्जी से, अपनी विल से कहो कि हे मेरे मन, तो सारे जगत के प्रति, अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भर जा. बी ग्रेटफुल टू दी होल एग्जिस्टेंस. सदगुरु के प्रति, इष्टों के प्रति अहोभाव से भर जाए. ये मेरे मन स्वयं के प्रति भी अहोभाव से भर जाए. बी ग्रेटफुल टू अवर ओन बीइंग. हे मेरे मन, अहोभाव को अपनी जीवन शैली बना ले. मेक ग्रेटिट्यूड योर लाइफस्टाइल. अहोभाव को अपनी जीवन शैली बना ले. हे मेरे मन, आज एक प्रार्थना कर. लेट अस प्रे टुडे. हे मेरे मन, इस विश्वास के साथ प्रार्थना कर. यह प्रार्थना सुनी जाएगी, पूरी होगी, बल देगी, खुशियां लाएगी, सब ठीक कर देगी. सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के सारे लीडर्स, विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं. सारे लीडर्स शांति दूत बने, आउट ऑफ बॉक्स सोच रख पाए, ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बने.
पृथ्वी का एक चित्र अपने मन में उभारें, विजुअलाइज करें कि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह आपको बंद आंखों से घूमती हुई नजर आ रही है। That a globe is revolving before your closed eyes. पृथ्वी एक ग्लोब की तरह आपकी आंखों के सामने घूम रही है। ये ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, सफेद दिव्य रोशनी लगातार इसके ऊपर बरस रही है। मेक अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग बिफोर योर क्लोज्ड आईज। बंद आंखों के सामने पृथ्वी को ग्लोब की तरह घूमते हुए देखें और भाव करें कि एक सफेद दिव्य रोशनी उसे भिगो रही है, नहला रही है। इस दिव्य रोशनी ने संपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण करने की शक्ति है। दिस वाइट लाइट हैज द पावर टू मेक द होल अर्थ हेल्दी, हील एंड हार्टी। रोशनी में संपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण करने की शक्ति है। सारे प्राणी पशु पक्षी मनुष्य इस सफेद दिव्य रोशनी में नहा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पृथ्वी की सारी नकारात्मकता खत्म हो गई। मेक दिस पिक्चर वेरी ब्राइट, वेरी कलरफुल, वेरी बिग, सुंदर, रंगीन, बड़ी पिक्चर बनाएं। पृथ्वी के सारे लोग फिर से स्वस्थ, शांत, सुखी और सुंदर महसूस कर रहे हैं। बीमारी पैदा करने वाले रोगजनक वायरस नष्ट हो रहे हैं। इस दिव्य प्रकाश से सारे रोगाणु, सारे वायरस नष्ट हो गए। अब इनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबके सहयोग से बीमारी अब खत्म हो गई। इस वायरस से हमने क्षमा मांग ली है, कह दिया है आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी से भी हमने क्षमा मांग ली है। पूरी पृथ्वी के लोग खुश हैं,
प्रेमल हैं, आनंद में हैं। Make a bigger, brighter and broader picture. पृथ्वी के पूरे लोग खुश हैं, प्रेमल हैं, आनंद में। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरी किरणें हमारी चेतना को विकसित कर रही हैं। सबकी चेतना का विकास हो रहा है। भाव करें, देखें, विचार करें, सुने, सब खुश हैं, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं। अपनी सारी इंद्रियों के सहयोग से एक सुंदर सा चित्र बनाएं, इमेजिन करें, पृथ्वी के सारे लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सब और जीवंतता, चहल पहल, उत्साह, उमंग और उल्लास लौट आया है। ऐसे में अब अपने निराकार चेतन आकाश को देखो। बंद आंखों के पीछे जो दिखाई दे रहा है उसे देखो। निराकार चेतन आकाश देखें, ये हरा हो गया है। Look into the inner space before your closed eyes. बंद आंखों के पीछे अपने चेतन आकाश को देखें, एकदम हरा हो गया है। यह हरा रंग प्रेम का प्रतीक है, स्वास्थ्य का प्रतीक है। हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य का बोध दिलाने वाले ग्रीन कर्टेन, ग्रीन चादर का, ग्रीन एप्रन का प्रतीक है। यही बंद आंखों के पीछे जो आप शून्यता, खालीपन, निराकार देख रहे हैं, यही है हमारा वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप। ये सत्य है क्योंकि शाश्वत है। जब शरीर नहीं था तब भी था, शरीर नहीं होगा तब भी होगा। जब दुख नहीं था तब भी था, जब दुख नहीं होगा तब भी होगा। यही बंद आंखों के पीछे हरा आकाश चेतन है, इंटेलिजेंट है। यही है जो मेरी आवाज सुन रहा है, बांसुरी वादन सुन रहा है, आंख से देखता है, कान से सुनता है। आनंद इसका स्वभाव है, इसे जगत से कोई अपेक्षा नहीं, ना इस चेतन निराकार को किसी दवाई की आवश्यकता है, ना भोजन की।
इसे कोई अपेक्षा नहीं है, इसीलिए इसे कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं। यही है हमारा सच्चिदानंद स्वरूप। बंद आंखों के पीछे अपने इसी चेतन निराकार सच्चिदानंद स्वरूप को देखते देखते ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम।
धीरे धीरे दो चार लंबी गहरी सांस लें, टेक टू थ्री लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। अपने हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, मूव योर फिंगर्स एंड टोज। दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो प्यारे सतगुरु के प्रति अहोभाव से भरें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर झूमते हुए आओ एक गाना गाते हैं उम्मीद का।
के कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं हाँ जी। प्यारे मित्रों, ये आज का ध्यान प्रयोग और एक प्रार्थना हमने की। अब आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए आज की श्यामे बंदगी में। हाँ जी वंदना, जैसे प्रयोग करते हैं ना, जैसे अस्तित्व हम गले लगा रहे हैं या हम अस्तित्व को गले लगा रहे हैं, आज उससे भी कहीं ज्यादा ऐसे फैल रहे थे और ऐसे कुछ हमारी तरफ भी आ रहा था। बहुत बहुत और बहुत बड़ा रूप हमारा, मतलब कमाल ही हो गया, बिल्कुल ही। धन्यवाद। वेरी गुड। हाँ जी जगदीश जी छपते हैं। चलिए आज ग्रेवाल साहब से कुरुक्षेत्र का हाल जानते हैं। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अपना और कुरुक्षेत्र का हाल स्वामी जी, इसको टच कर लो, माइक को टच कर लो, ये जो रेड हो रखा है। यस यस जी, प्रणाम स्वामी जी, सब मित्रों को प्रणाम जी। स्वामी जी आज बहुत तूफान आ रहा है, आज कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है। अब अच्छा। तूफान चल रहा बहुत भयंकर वाला। अरे वाह, इसलिए इंटरप्शन हो गया ऊपर जो है ना, वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था टैक्स ने उसकी वाईफाई की। आप ऊपर बैठे छत पे बैठे हो? नहीं नहीं, मैं अपने रूम में बैठा हूँ। रूम में ही हो? अच्छा ओके। हाँ पहले ना आज मैंने लैपटॉप चलाया था, वो लैपटॉप फिर बंद हो गया बीच में, इसलिए फिर मोबाइल पर द्वारा इंस्टॉल किया। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा था, मजा आया बिल्कुल। कई दिनों में ध्यान किया मैंने तो आज। हाँ बहुत अच्छा लगा। चलो आ जाए करो आप, हम मिस करते हैं आपको वीरवार को, आ जाए करो, है ना। हाँ स्वामी जी आऊंगा, थोड़ा साहिब अभी तो कोविड चल रहा है, बीच में जरूर आऊंगा, मुझे मन करता है मिलना सब लोगों से। नहीं नहीं, इसमें इस पे मोबाइल पे। हाँ इसमें स्वामी जी अब हो गया फिक्स मेरा। हाँ वो मैंने फिक्स करवा लिया अपना वाईफाई ना, फिक्स हो गया। हाँ बढ़िया हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा लगता है एक हफ्ते में कम से कम एक बार तो मिले। श्योर श्योर सर। और संडे की बुकिंग करा लो। और करा ली स्वामी जी मैंने, करा ली। अरे वाह, थैंक यू। सुरेंद्र जी अंबाला में ही हैं। प्रणाम स्वामी जी, अंबाला में हूँ स्वामी जी जी। और आज सेशन से जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग वैक्सीनेशन करा के आए थे। अरे वाह, फर्स्ट वाली सेकंड? मेरी सेकंड थी, मेरी का फर्स्ट। अच्छा आसपास ही थी? हाँ सेक्टर 10 में। ओके, पहले तो नहीं मिला था सेक्टर 10 में। इंजेक्शन के बाद नहीं, बस थोड़ा मतलब जैसे हल्का बॉडी पेन और ऐसा हो रहा है, बस सो गए। ठीक है ठीक है स्वामी जी, सुंदर। अनुराधा कैसी हैं आप? फीलिंग फाइन? प्रणाम आचार्य जी, अच्छी हूँ। अरे बहुत अच्छी। चलिए पूरी तरह रिकवर हो गए? हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। आज का ध्यान प्रयोग बहुत सुंदर था स्वामी जी, बहुत पॉजिटिविटी मिली, बहुत जरूरत है पॉजिटिविटी की इस टाइम हमें सबको। और कई दिनों से जैसे इंसान को कुछ हो जाता है ना, बॉडी में प्रॉब्लम आती है तो नेगेटिविटी भी साथ साथ चली आती है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी जैसे घर पे पहले मैं बीमार हुई, फिर सर हुए और हिमांश हुआ, तो थोड़ी नेगेटिविटी आ गई थी, जैसे डर लगने लगा था हर चीज से ना जी। तो लेकिन आज ध्यान करके बहुत अच्छा लगा। और अभी एक दो दिन से तो हम लोगों ने स्कूल भी जाना शुरू किया है, तो वहां भी अच्छा लगता है जाकर आराम से, बेशक
क्लोज रहता है सब कुछ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगता है पॉजिटिविटी, आराम से बैठ के कि थोड़ा ध्यान कर लो, अच्छी बातें कर लो। हाँ जी, तो नहीं, खुले में प्रकृति के जो है नजदीक बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ जी, तो दो दिन से हिम्मत की है हम लोगों ने निकलने की, तो सुबह चले जाते हैं 8 बजे, 8 बजे जाके 11:30-12 बजे तक वापिस आ जाते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठते। ठीक है ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भी अपने रूटीन में अगर हम रहें और परमात्मा से जुड़ाव बनाए रखें तो ये तो गुजर ही जाना है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा ध्यान लगा मुझे आज, आज मैं काफी ठीक महसूस कर रही हूँ। थैंक यू स्वामी जी। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा, जल्दी और स्वस्थ हो जाओ। हाँ जी, दीपक भसीन जी के पास काफी जानकारी होंगी, आप अपना को अनम्यूट कर लें स्वामी जी। हाँ नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम प्रणाम जी। वैसे तो गुड मॉर्निंग आपसे मेरी हो ही रही है व्हाट्सएप पे। जी जी हाँ जी स्वामी जी, आजकल आपके भी अच्छे विचार आ रहे हैं उसमें हमें मिलते हैं। और मैं आज बहुत महीनों बाद आया हूँ क्योंकि इस टाइम कोविड में ही लगा हुआ हूँ। हाँ जी, मेडिकल प्रोफेशन तो मैं सेवा में लगा हूँ, 1.5-2 महीने हो गए, रोज मतलब 5-6 पेशेंट्स के एडमिशन, ट्रीटमेंट और इन चीजों में ही हूँ। किसी की कोई मेडिकेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो, वैसे तो मॉर्निंग में मेरी योगा अनिल विज जी के साथ डेली होती है, हम लोग 4-5 जने हैं जो करते हैं, तो वहां पे रिलैक्स होता हूँ। लेकिन सारा दिन में इतना स्ट्रेस हो जाता है पेशेंट्स का, सुन सुन के कर करके ट्रीटमेंट। राइट राइट, तो आज असल में धर्मवीर जी का भी मैसेज रोज आया था कि ज्वाइन करना है, तो आज मैंने कहा, मेरे को लग भी रहा था कि मेरे को नीड है आज। आई वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड बिकॉज नेगेटिविटी, जैसे मैडम बता रहे थे नेगेटिविटी बहुत छाई हुई है, बट हम लोग सबको पॉजिटिव कर रहे हैं, दिस इज अवर जॉब टू मेक एवरीवन पॉजिटिव फॉर द थिंग। मेरे को ऐसे ऐसे पेशेंट हमने ठीक किए हैं अब जो बिल्कुल ही काफी इनकी एसक्यूटी लेवल्स वर वेरी वेरी डाउन जी, तो उनको मोटिवेट कर करके उनको निकाला है, उस चीज में से निकाल भी रहे हैं। और आज जो ये था ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट था जो ध्यान था, बिकॉज वैसे मॉर्निंग में योगा में हम लोग ये सब चीजें भी करते हैं, लेकिन ये कि आपका जो था इसमें थोड़ा सा और थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ मैं, बिकॉज मैं काफी लग रहा था मेरे को स्ट्रेस से, तो मैंने कहा आज मैंने ज्वाइन करना, चाहे मैं मुश्किल से टाइम निकालूं क्योंकि फोन मेरे रुक नहीं रहे। थैंक यू सो मच, क्योंकि जो आप स्टोरी श्री राम जी की भी सुना रहे थे वो भी बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि उसमें उस टाइम हमारा फोन म्यूट था, नहीं तो मैं भी बोलता, मैंने उस टाइम ऑन नहीं किया क्योंकि श्रवण जी का जो वो था उससे कंफर्म था कि उनके घर में उनके बच्चे जो भी होंगे बेटे होंगे डेफिनेटली। कई बार हमारी नेगेटिविटी जो हमारे होती की होती है वो हमारे लिए पॉजिटिविटी भी लेके आती है। yes. तो ये चीजें लाइफ में है कि हमें हर चीज को अच्छी तरह के उसको उसमें अच्छाई देखनी चाहिए, जो भी हो रहा है प्रभु कर रहा है उसमें कुछ अच्छा ही है। of तो course. हम रोज यंग डेथ भी देख रहे हैं, ओल्ड भी देख रहे हैं, ठीक होते भी देख रहे हैं। मैं कभी भी मैसेज को नेगेटिविटी वाला नहीं डालता फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि लोगों को बताता हूँ कि ये चीज अच्छी हो रही है आज, आज ये अच्छा हुआ, तो वी हैव टू मेक देम। और यहाँ आके मेरे को अच्छा लगता है, मैं भूला नहीं कभी आप लोगों को। हाँ मैं आ नहीं पाया बिकॉज मेरा काम इस तरीके का है कि मैंने अपना कंपनी का काम छोड़ा हुआ है, सिर्फ सेवा में लगा हूँ, कि मैं क्या काम तो सारी उम्र होने हैं। सो थैंक यू सो मच कि मेरे को आपका मोटिवेशनल मैसेज मिलते रहते हैं, और कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आ जाऊं। जी थैंक यू सो मच। आप जैसे कोरोना वॉरियर्स की वजह से होप जिंदा है और बहुत जल्दी ये चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो जी आपकी आवाज चली गई। हाँ आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज समय नहीं मिल रही है। एक मिनट। यस यस यस, ओके गुड, आ गई आ गई। यस, तो उसमें यह है कि अभी अभी लेटेस्ट हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन आई है जी, कि आईटीआई कानपुर ने एक रिसर्च में ये बताया है कि 15 मई जो है अभी आ रही है जी, ये पीक का लास्ट डे है। राइट राइट राइट, इसके बाद हमारी जो पीक है वो डाउन, मतलब पीक फॉलिंग आनी शुरू हो जाएगी जी। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा हो जाए। हम प्रे यही करते हैं रोज कि सब लोग अपने घर में सुख शांति से ठीक रहें और स्वस्थ होकर घर आए, यही हमारी मंगल कामना सुबह होती है प्रभु के आगे। बहुत सुंदर स्वामी जी, थैंक यू। आपकी फिर आवाज चली गई। आवाज आपकी चली गई। हाँ
मेरी बात अभी आपको सुनाई दी कि नहीं दी जो मैंने बोला था? लास्ट एक मिनट से नहीं सुन रही थी। अच्छा, 15 मई हमारा पीक है, उसके बाद डाउनफॉल आ जाएगा जी। और उसके बाद मैं ये कह रहा था कि जो लोग जैसे मैडम अभी ठीक हुए हैं तो ये प्रेरणा दें बाकियों को कि सब स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। और जो बीमार है उनके लिए हम हमेशा प्रे करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाएं। तो यही हमारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए हर एक के लिए, बस यही है। थैंक यू, दिस इज माय फीलिंग। वेलकम वेलकम खंडोजा जी। ये कुरुक्षेत्र वाला तूफान यहाँ भी आ गया। कुरुक्षेत्र से पहुंच गया स्वामी जी। सिटी में पहुंचा धर्मवीर खंडोजा जी। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ, सिटी में पहुंच गया तूफान जी। काफी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं जी। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम इंतजार कर रहे होते हैं पूरे वीक में कि वीरवार आए जी, सारा संघ इकट्ठा हो जी। और जैसे कि सतगुरु हमारे कहते हैं कि आप मैं हूं और आप हो, और तेरी लाइट नहीं है तो भी सत्संग नहीं हो पाता, जैसे कनेक्टिविटी हमारी ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे अस्तित्व का सहयोग है तभी हम मिल पाते हैं, पूरा अस्तित्व चाहता है। तो मुझे सतगुरु ने ये ड्यूटी लगाई है कि जब सारे काफी लोग सत्संग में आते हैं तो मुझे और एनर्जी मिलती है। आज काफी लोग आए, बहुत सुंदर आए, अमरजीत जी आए, सभी लोग आए। अच्छा अनुभूति होती है, ध्यान से तो अनुभूति मिलती ही है। आप जो हमें कराते मेयर प्रेजेंस इज इनफ, एक दूसरे के साथ जो है ये प्रॉक्सिमिटी, ये जो नजदीकता है ये बहुत पोषक होती है, इट इज न्यूट्रिशियस। मेयर प्रॉक्सिमिटी इज इनफ। हाँ जी हाँ जी, खंडोजा जी की आवाज चली गई। चलो एक गीत पहले सुन लेते हैं, फिर बाकी लास्ट में अमरजीत सिंह जी से सुनेंगे। प्रणाम सभी को। तो ये बात सही है कि कुरुक्षेत्रा वाला तूफान अंबाला पहुंच चुका है, और एक इससे भी एक अच्छी बात पॉजिटिव निकल के आई मेरे मन में। जैसे ही मैं फटाफट दरवाजे बंद करने गई तो मुझे एक प्रेरणा आई अंदर से कि देखो बाहर चाहे कितना ही तूफान है लेकिन एक बार दरवाजे बंद करे, खिड़की बंद करे तो अंदर सत्संग चल रहा है, हमारे मित्र बैठे हैं अंदर। ऐसे ही हमारे भीतर भी हमारा मित्र, हमारा सखा बैठा हुआ है, तो भीतर कोई तूफान नहीं है, हम मजे कर रहे हैं। तो ये, और फिर साथ ही मुझे बचपन में स्टेज पे ग्रुप सॉन्ग गाते थे तो एक लाइन याद आई, मुखड़ा याद आया उसका, कि ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। और ये जो प्रेरणा हम लेने के आज काबिल हुए हैं, ये प्रज्ञा जो हमें आई है ये हमारे सतगुरु की वजह से आई है, नहीं तो ऐसे ही जी रहे थे, भीतर बाहर सब बराबर ही था। तो उनके लिए अहोभाव स्वरूप ये गीत। दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है, दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है, दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे, दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे, जिन साथ है माझी तो किनारा भी करीब है, दुनिया में ऐसा
हाँ हाँ सबका नसीब है, चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रीत बिछाती जाए राहों में तारे, चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रीत बिछाती जाए राहों में तारे, प्रीत दीवानी की कहानी भी अजीब है, दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है, बरखा की रुत हो या दिन हो बहार के, लगते हैं सुने सुने बिन तेरे प्यार के, बरखा की रुत हो या दिन हो बहार के, लगते हैं सुने सुने बिन तेरे प्यार के, तू है तो जिंदगी को जिंदगी नसीब है, दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है, दुनिया में ऐसा कहां सब का नसीब है। थैंक यू, बहुत सुंदर। चलिए जगदीश जी से जानते हैं हाल सहा के, अनम्यूट करें जगदीश जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप सभी संघ का आशीर्वाद है, प्यारे बाबा का आशीर्वाद है जी। ठीक है, सभी आस पड़ोस वाले पूरा मोहल्ला बस्ती, बहुत सुंदर, जहाँ ड्यूटी वगैरह करते हैं वहां भी ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ड्यूटी अभी कर रहे हो कोई? हाँ, वो पार्ट टाइम से ऊपर चौकीदार वगैरह का बजट मिला था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उनकी देनी थी मार्च और अप्रैल की सैलरी। राइट, तो जाना पड़ जाता है स्कूल में, दो दिन लगातार गए तब भी मनाए। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए ठीक है, बाकी चल रहा है जो अच्छा है, इसमें भी शायद कोई भलाई ही हो जैसा चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, जैसा उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, जो अपने बस की बात है वो करते रहते हैं, बाकी वो जाने उसका काम जाने, जैसे जैसे रखेंगे रख लेंगे। हाँ, तो आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा, करते तो हैं लेकिन इतने समय के लिए नहीं कर पाते हर रोज। हाँ, और इतने इतने जो है वो मिलकर के भी नहीं करते, जैसे सुबह मैं अकेला ही करता हूँ। हाँ, तो अकेले के भाव कुछ और होते हैं, दो हाँ, चार दस व्यक्ति मिल करके करें तो उसके भाव कुछ और होते हैं। बहुत, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, स्टे हेल्दी। हाँ जी, रचना ग्रोवर। रचना ग्रोवर डिस्कनेक्ट हो गए। प्रियंका के बाद अमरजीत सिंह जी आखिर में। प्रियंका, हाँ, नाम जा रहे जी, छत पे बैठे हैं, छत पे तूफान में बैठे हैं। हाँ, आज का सत्संग बहुत सुंदर था, और जब आप ये सब बता रहे थे कोविड के ऊपर, तो जैसे ये शुरू हुआ था ना, जब काफी ज्यादा होने लग गया था, हाँ, तो दो दिन थोड़ा सा हुआ कि मतलब ये फिर से वही सिचुएशन आ गई है, तो बाबा का ना ट्वीट आया था, फेसबुक पे भी मैसेज आया था कि अगर ये ऐसे ना होता तो वर्ल्ड वार 3 होनी थी, तो हमें परमात्मा का शुक्र मनाना चाहिए कि ये बीमारी ही आई है सिर्फ। तो उसको पढ़ के इतना मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी और वो हुआ था कि
मतलब पता चल रहा था कि ये फेस जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आज आपके सत्संग से भी वो सारी फील आई, तो वो मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। चाहे हम ठीक है लेकिन आसपास जब देखते हैं ना, हर एक दूसरा घर में है पेशेंट, तो वो देख के अजीब सा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत सुंदर रचना आ गई है। हाँ जी, अनम्यूट कर रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम सभी मित्रों को, बहुत बहुत प्रणाम जी। ये पॉजिटिविटी तो सच में बहुत जरूरी है सबके जीवन के लिए, सबके, क्योंकि अध्यात्म के बिना जीवन बिल्कुल बिल्कुल सूखा है। खाली हम कमाने 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 की बात करते रहे, उससे जीवन की गाड़ी नहीं चलती है। इस जीवन में अध्यात्म बहुत जरूरी है, वही हमें सही मार्ग दिखाता है, वही हमें सही तरीके से चलना सिखाता है, उसी से हमें सबल मिलता है, उसी से हमें हौसला मिलता है, उसी से हमें आशा मिलती है। और आप जिस आशा के शिखर पर हमें ले जाते हैं, वहां से तो हमें सब कुछ ही अच्छा अच्छा दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा ही कल परसों का कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ आसपास में, अपने तो अभी टचवुड ऐसा नहीं था, ब्रदर इन लॉ को हुआ कोरोना, तो वो रिकवर कर गए, तो मिलने भी आते रहे, अभी भी आते हैं तो। पर लेकिन एक दो लोगों से जैसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैम आपके घर में किसी को हुआ नहीं ना होगा, आपके आस पड़ोस में कोई गया नहीं ना होगा, इसलिए आप इतनी पॉजिटिव होकर बात करते हो। या उनको कहा जाए कि हाँ भाई इतना निराश नहीं होना, पॉजिटिव रहिए, ऐसा टाइम है, ये कुछ समय के लिए आया चला जाएगा, तो इस तरह का टोंट कमेंट सुनने को मिला। तो फिर भी कुछ ऐसा उनको रिस्पांस नहीं दिया कि नहीं जी लड़ने वाला या कुछ भी इस तरह से रिबेलियन नहीं किया। उनको बोला कि इस अपने मन को हमेशा सकारात्मक चीजों में लगाइए, मन को व्यस्त रखिए, अस्त व्यस्त रहेंगे तो जरूर परेशानी आएगी, जो चलना है, जो होना है, घटित होना है, वो जिसके साथ भी होना वो निश्चित है ही है, डरने से क्या होगा, डरने घबराने से कुछ नहीं होगा, इसलिए चलते चलिए अपने जो नदी का बहाव जैसे हमें जहां जहां ले जा रहा है वैसे वैसे चलते रहिए। और परमात्मा की बहुत कृपा है और आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, कभी भी मन में किसी के भी प्रति इस तरह की नेगेटिविटी नहीं आती, और हमेशा जब भी किसी से मुलाकात होती है, मिलना होता है, तो हमेशा उसको एक आशावादी स्वर में ही जवाब आता है कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएंगे ठीक, चिंता नहीं करिए। तो ये कुछ आपकी वाइब्स आती हैं यहाँ से, कुछ मन मन शुरू से ऐसा भी है, थोड़ा सा अभ्यास भी इसी तरह का रहा जीवन भर। तो और एक एक बहुत बहुत मन कर रहा है एक चीज और मतलब शेयर करने का सबके बीच में। जैसा आप कहते हैं ना कि मन मन हमें यहाँ पर ध्यान में लगाना है और मन से शांत हो जाना है, तो मैं आजकल सुबह ऑनलाइन जब क्लास लेती हूँ ना, तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही मम्मियाँ उनकी ना लैप में लेकर बैठती हैं उनको, और वो भागते जाते हैं। मम्मा आवाज लगाती है, हर्षिता कामियर कामियर, ऐसा ही आज मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा मन इधर उधर भाग रहा है और आचार्य जी आवाज लगा रहे हैं, रचना कामियर रचना कामियर। तो बहुत सुंदर वो अनुभव था, मैं अपने बच्चों में सब कुछ वो ढूंढ लेती हूँ और बस वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है, और मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, मैंने कभी न्यूज नहीं देखी, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं पढ़ी, सुनी नहीं, ना मैं सुनती ना मैं उसमें घुसती, मैं तो अपने इसी आनंद में आनंदित रहती हूँ। और आपके सारा दिन वो जो वाक्य आते हैं या इस तरह के विचार आते हैं सब तरफ सुनती रहती हूँ, और उन्हीं में अपने तो सारा दिन घुमाती रहती हूँ, बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाव शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही हमारे सतगुरु का संदेश है, जो रहता अपनी मस्ती में, जो रहता अपनी मस्ती में, जिंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरअहंकार में जो धन्यवाद में जीता है।
तो ये स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव नगर वृंदावन है, तो सबके लिए उनका गांव उनका घर वृंदावन हो जाए, यही सदगुरु का संदेश है, यही उनकी विश है, यही कामना है। चलिए अब हमारे मित्र अमरजीत सिंह जी से आज की डोज लेते हैं जी। सबको प्रेम, आवाज आ रही है? जी जी स्वामी जी। तो कोरोना हम सुनते थे, टीवी पे सुनते थे, आसपास अखबारों में सुनते थे, तो हम सोचते थे बहुत दूर की घटना है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हमारे परिवार में या बहुत निकट संबंधों में भी एक दो अचानक मृत्यु हुई है इसी की वजह से जी। तो उससे घर में भी एक शोक की लहर है और बहुत मतलब गुमसुम है सारे, लेकिन मेरे में परमात्मा की कृपा है, थोड़ी मेरी दूरी बनी हुई है। एंड ऑफ सफरिंग होता है जब आप मन से और शरीर से दूर है, तो एंड ऑफ सफरिंग है ये, राइट। तो उनको थोड़ी निराशा है, मैं देख के ये दुखी हूँ कि जिनके साथ ये घटना घटी है, संवेदनशीलता ज्यादा है मेरे में जी। जिनके साथ घटी है उन पे क्या बीतरी होगी, उनका यंग एक बेटा और खुद वो खुद मेरा साला है जी। तो उसकी उम्र मेरे 70 साल की होगी जी। उसका यंग बेटा 40 साल का, उसके भी आगे 2 बच्चे जी। उसके सामने उसको कोरोना का ये हुआ, फेफड़ों का संक्रमण जी। उसको दूसरे अस्पताल में ले गए, तो बाप देख नहीं सका, बाप को दूसरे अस्पताल में ले गए जी। तो जहाँ बेटे को ले गया वो तो वहीं गुजर गया, वहीं उसको वहीं संस्कार कर देगा, डेड बॉडी तो देते नहीं है जी। तो उस पे क्या बीती अभी उसको बताया नहीं गया, तो मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि बाबू उन पे कैसे बीतरी होगी, उसकी माँ पे, उनके आसपास परिवार पे, बच्चों पे, उसकी पत्नी पे, तो ये कितना ही मतलब की शॉकिंग है, राइट। तो दूसरा एक यहाँ वाला में हमारी भाभी लगती है निकट की, वो भी उसकी मृत्यु हुई कल ही, नर्स थी वो, स्टाफ नर्स। जी। तो ये बहुत ही दुखद लगता है, घर में तो चलो ऐसा लहर है, लेकिन मैं थोड़ा परमात्मा की कृपा से मुझे थोड़ा इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन संवेदनशीलता की वजह से मैं देखता हूँ उन पे क्या बीतरी होगी, ये कितना मतलब की दुखद है। यही मानवता है स्वामी जी, यही तो इसीलिए तो हम इंसान है, ये संवेदनशीलता पशुओं में नहीं है, है ना, यही है, तो यही आदमी को आदमी बनाती है। दुख मुझे इस बात का कि उन पे क्या बीतरी होगी, मेरे पे कोई इतना असर नहीं है, क्योंकि मेरे से एक दूरी बनी हुई है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यही तो हमें ना थाम सके हाथ ना पकड़ सके दामन, ना थाम सके हाथ ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया है कोई। वाह। तो अब गुरुओं का सहारा है, सदगुरु का सहारा है, परमात्मा का सहारा है, उनको देखा है हमने, इसलिए हमें पे इतने असर नहीं होता। क्या हुसन था कि आंख से देखा हजार बार, क्या हुसन था कि आंख से देखा हजार बार, फिर भी नजर की हसरते दीदार रह गई, हसरते दीदार रह गई। क्या हुसन था कि आंख से देखा हजार बार, ये गुरुओं की बात है, फिर भी नजर की हसरते दीदार रह गई जी। अभी भी मन तृप्त नहीं हुआ, गुरुओं को देख देख के हमको शांति आती है, तो बहुत ही ये हमारे लिए एक डोज है, जैसे आप टॉनिक दे रहे हैं ऐसे आप गुरुओं का सहारा है, जो आपने आज तक सुना है, जो महसूस किया है या ध्यान किया है, उसका ये परिणाम है कि हम थोड़े बचे हुए हैं जी। बहुत सुंदर। तो थोड़ा मजाक अब कर लें जी, अमेरिका जी। में कोई बीमार होता है तो कहते हैं गेट वेल सून जी, और इंग्लैंड में क्या होता है, कहते हैं विश यू ए स्पीडी रिकवरी जी। तो भारत में कहते हैं मेरा फूफा भी इसी बीमारी से मरा था। किसी को इश्क हुआ, किसी को प्यार हुआ जी। लेकिन मुझे जब भी हुआ बुखार हुआ। पति पत्नी से बोला तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि शादी का प्रपोज किया मुझे, कहती मैंने आपको एक दो बार बर्तन मांजते हुए देखा था। हमारे देश में कहते रिश्ते बड़ी जल्दी जल्दी टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों से, जैसे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। सुंदर। गाना बड़ा मशहूर है, तुमसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए, कवि ने किसी लड़की को शायद बिना मेकअप के देख लिया होगा। बहुत सुंदर। अच्छा, जो लॉकडाउन में एक बेरोजगार लड़के ने परेशान होकर पंखे में रस्सी डालकर उसे एक ही झटके में उखाड़कर बेच दिया। आदमी किया पंखे को रस्सी से उतार कर एकदम बेच दिया, बेरोजगार था। आज का एक ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण, अगर दीदी आपको इज्जत देने लगे जी और आपका कहना मानने लगे
तो समझ आई है कि कोई ना कोई नुकसान करके बैठी है। स्वामी जी साइड में देखने लग गए। मेरी तरफ देख रहे हैं। नुकसान करके बैठी है। अच्छा कह रहा है कि मुझे कोई बाबू कहने वाला नहीं है, इसलिए मैं बाबा बन जाऊंगा। सुंदर सुंदर। हद तो तब हो गई जब मैं एक रिश्तेदार के घर गया तो पूछने लगा क्या लोगे, भाप लोगे या कड़ा। तो इसलिए अच्छा है प्रार्थना करो कि जिनको सदमा लगा है उनको शांति मिले, वो इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे ये मुझे मेरे बस के बाहर है। मैं अपनी जगह शांत हूँ, परमात्मा सबका भला करे यही मैं कहता हूँ, सबका मंगल हो। और बाबा की एक याद आती है कि इससे बुरा भी हो सकता था। ऑफ कोर्स, बहुत सुंदर। और एक और बात उन्होंने कही थी, आज का जो प्रतिकूल है वो कल का अनुकूल हो सकता है। हाँ जी, निश्चित कल का अनुकूल। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो उन्होंने यही कहा कि सत्य, मैं सत्य ही कहता हूँ, सांत्वना क्या करनी है हमने, सत्य ही कहो। राइट राइट, बहुत सुंदर, ठीक है जी, आप बताइए आगे। थैंक यू सर। विजय जी हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से विजय जी है नहीं शायद। चलिए एक गीत गाते हैं फिर